मौसम विभाग ने मुरैना जिले में हीट वेव बने रहने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में 47 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। तेज धूप और लू के कारण लोगों ने घरों से सड़कों पर निकलना कम कर दिया है। वहीं बाजारों में भी दोपहर को सन्नाटा छाया हुआ है। बाजारों में लोग अपने चेहरे को कपड़े से ढककर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर भी वाहनों की संख्या कम दिखाई दे रही है। इससे भी बुरे हालात आने वाले 10 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक हरविंदर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 5 दिन की फोरकास्टिंग आई है, जिसमें हीट वेव की संभावना जताई है। अभी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक, न्यूनतम तापमान 30 व 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तापमान में अभी कमी की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को भी तापमान 46 डिग्री अधिकतम व न्यूनतम 30 डिग्री है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। लोकल लोग मानते हैं 25 मई से नौतपा लग रहा है, तो उसमें भी तापमान बढ़ा हुआ रहता है। हवाएं उत्तर पश्चिमी की ओर से चल रही है, से तापमान बढ़ता है। किसान अपनी खेती का काम सुबह व शाम करें और गर्मी से बचाव के लिए एहतियात बरतें। अपने पशुओं को भी शेड में रखें, दो बार नहलाएं व ताजा पानी पिलाएं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी भीषण गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें आरएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि भीषण गर्मी से बचने के लिए दोपहर में घर से निकले कपड़े से मुंह को ढककर निकले, जिससे लू न लगे। इसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहे। वहीं बच्चों को ऐसी गर्मी में बाहर न निकाले और बाहर की तेल से तली हुई चीजें, जिसमें फास्ट फूड खाने से बचे और पानी पिए। जैसा कि हमारे पास मौसम पूर्वानुमान 17 मई को आया था, उसमें यानी शुक्रवार को, तो उसमें आगामी 5 दिन तक हीट वेव की संभावना थी, जिसमें तापमान न्यूनतम 30 और 31 के बीच में और अधिकतम 46 से 47 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना दिखाई गई थी। तो लगातार हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार हीट वेव चल रहे हैं और बाकी अभी 2 दिन या 3 दिन हीट वेव की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 और 31 के बीच में जा सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और छुटपुट कहीं कुछ सिस्टम बनता है तो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 25 मई से लेकर 2 जून तक आपका नौतपा लगने वाला है, जो कि हम किसान लोग मानते हैं या लोकल लोग मानते हैं। तो उसमें भी क्या है कि तापमान बढ़ा ही रहता है, बढ़ोतरी रहती है, और बाई चांस उसमें हल्का फुल्का कुछ डिस्टर्ब हुआ तो तापमान में गिरावट भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत की संभावना नहीं है। ये गर्मियों का समय, साथ ही हवाएं भी जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर की चल रही है और लू चल रही है, गर्म लू चल रही है, तो तापमान तो बढ़ा रहता ही है। इस समय किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपना खेती का कार्य सुबह और शाम के समय करें और दोपहर में जहाँ तक हो अपना आराम करें और दिन में न निकलें, और साथ ही सूती कपड़े पहने और अपनी सुआफी वगैरह से सिर को बांध करके तब बाहर निकलें। पूरा एहतियात बरतना चाहिए इस समय गर्मियों से बचाव के लिए। साथ ही पशुपालन की बात करें तो पशुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन्हें लू में या दोपहर में बाहर नहीं निकालें और अंदर शेड में रखें, जिससे लू से बचाव हो सके, और साथ ही इनको 2 बार दिन में नहलाएं सुबह शाम और 3 बार स्वच्छ ताज़ा पानी पिलाएं। साथ ही किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसान भाई चिड़ियों के लिए आदि पानी आदि की व्यवस्था करें, जिससे इनका बचाव हो सके और साथ ही अपना पूरी तरह से गर्मी से एहतियात बरतते हुए कृषि कार्य करें। आज अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।